हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता आज आपके लिए लेके आई हूँ आप अपने डार्क और पिगमेंटेड लिप्स को किस तरह से सॉफ्ट और पिंक बना सकते हैं। कई बार जहाँ न्यूड लिपस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो हम अपने रिस्ट पर यूज़ करते हैं और जो ग्लो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लिप्स ब्लैक पड़ते हैं। वो शाइन वो न्यूड लिपस्टिक नहीं दे पाती, जिसके लिए हमें कंसीलर यूज़ करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप नेचुरली तरीके से आप अपने लिप्स को किस तरह पिंक और सॉफ्ट बना सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके लिप्स किस वजह से ब्लैक पड़ते हैं। ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, या जब आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो आप अपने टंग की हेल्प से उनको वेट करने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो उसकी वजह से भी आपके लिप्स ब्लैक पड़ते हैं, क्योंकि आपकी सलाइवा जो होती है वो आपके लिप्स को ब्लैक करती है, पिगमेंटेड करती है। और ज़्यादा हॉट ड्रिंक्स लाइक चाय एंड कॉफ़ी या फिर अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ न करने की वजह से भी आपके लिप्स ब्लैक पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई नेचुरल तरीका जिससे आप अपने लिप्स को सॉफ्ट एंड पिंक बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत करेगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर लिप बाम, होममेड लिप बाम किस तरह से बना सकते हैं जो आपके लिप्स को बनाएगा नेचुरली पिंक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको एप्लीकेशन बताती हूँ किस तरह से आपको स्क्रबिंग करनी है और मॉइस्चराइजिंग करनी है। स्क्रबिंग के लिए मैंने ये शुगर लिए और ये एलोवेरा लीफ जो मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर का मैंने कवर निकाल दिया है इस तरह से, और इसको मैं शुगर में डिप करके इस तरह से अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने शुगर इसमें लगा लिया है इस तरह से, और इस तरह से बहुत हल्के हाथ से आपको अपने लिप्स के ऊपर स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग आपकी डेड सेल्स को निकालेगा इस तरह से। करने के बाद आप अपना कॉटन की हेल्प से या टिश्यू पेपर की हेल्प से आप इसको रिमूव कर दीजिए इस तरह से, हल्के हाथ से इसे भी स्क्रबिंग हो जाएगी इस तरह से रिमूव। एंड सेकेंड मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ओरिजिनल लीफ। इसकी जगह आप इस तरह टिश्यू पेपर पर या वाइप्स के ऊपर, बेबी वाइप्स जो आती हैं उसके ऊपर एलोवेरा डालकर इस तरह से 10 मिनट रख सकते हैं, पर मैं स्क्रब की तरह लीफ को यूज़ करूँगी और मॉइस्चराइज करूँगी अपने लिप्स को इस तरह से 10 मिनट आप करें। पहला आपने किया अपने लिप्स को स्क्रब, सेकेंड आपने किया मॉइस्चराइज ओरिजिनल एलोवेरा लीफ से, और तीसरा है आप अपने लिप्स को किस तरह बनाएं पिंक। तो इसलिए पिंक बनाने के लिए ये मेरे पास है बीटरूट की एक स्लाइस, इसको मैं अपने लिप्स पर रब करूंगी इस तरह से। इस तरह से आप 2 मिनट रब करिए, देखिए ओरिजिनल कलर आया है। ये आप रात को सोने से पहले करें, ओवरनाइट इसको लगा के रखें, और इसके ऊपर लगाएं आप अपना देसी घी या मक्खन लगा सकते हैं विदाउट सॉल्टेड, बिना सॉल्ट वाला मक्खन आप अपने लिप्स पर लगाकर ओवरनाइट रखें। आप देखेंगे कि आपको विद इन 5 डेज आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बारी आई है कि मैं आपको बताऊं कि नेचुरल तरीके से, होममेड तरीके से आप लिप बाम अपने घर पर किस तरह से बना सकते हैं। आप बीटरूट को ग्रेट करके उसका जूस निकालिए, और आप मक्खन ले सकते हैं बिना सॉल्ट वाला, या उसके स्किप करके आप घी भी ले सकते हैं। इन दोनों को ऐड करिए डबल बॉयलर की हेल्प से, और आपका होम में नेचुरल लिप बाम रेडी है। प्लीज़ पेट्रोलियम जेली यूज़ मत करिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से ये भी आपके लिप्स को डार्क बनाती है एंड पिगमेंटेड बनाती है। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें।